वेलकम टू माय चैनल वंस अगेन। मेरा नाम है गैरी। मेरे पास एक ऐसा एनर्जेटिक लड़का आया है जिसका नाम कुलदीप है, जो पंजाब इंडिया से है। कुल्लू भी कह रहे थे मुझे, कुल्लू को चलो से कुल्लू डार्लिंग कह लेते हैं। जो कुल्लू जी हैं हमारे लिए हैं, जो कि वीडियो बनाएंगे, बताएंगे ये भी वोल्ट से काम करते हैं और बताएंगे कि आप लोग भी माल्टा कैसे आ सकते हो एज ए डिलीवरी बॉय जॉब पर, और आप ये कौन सी एजेंसी काम कर रहे, कितना पैसा बनता है और क्या क्या प्रॉस्पेक्ट्स हैं उस हर माँ के बेटे के लिए, गरीब के, जो इंडिया बैठकर या किसी और भी कंट्री बैठकर इनको रोल मॉडल कह रहा है और कह रहा है भाई मुझे भी बाहर ले जा, इनसे पूछते आप लोग बाहर कैसे आ सकते हैं। बट गाइस प्लीज़ वीडियो दिल खोल कर लाइक करना। हर लड़का स्ट्रगल कर ऊपर आता है, आपने यही नहीं डरना, हौसला नहीं तोड़ना। मैंने खुद बर्तन मांजे, लोग के चप्पल जूती और मेरे पर घरों में दूध फेंक गए, फिर मैंने 58 कंट्रीज देखी। तो आप भी ऊपर आओगे, पर आपने हौसला नहीं छोड़ना है, उसका प्रॉमिस मुझे आपने हाथ पर देना है। और क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं बनाना है, दो चीज़ें मस्त हैं, क्योंकि हर कंपनी क्रिमिनल रिकॉर्ड चेक करती है। माल्टा में, यूके में आपने वो नहीं करना। चलिए वेलकम करते हैं कुल्लू जी को मेरे शो पर। और कुल्लू जी से पूछा, कुल्लू जी यहाँ पर कब आए थे और कौन सी जॉब तो बताकर ड्रीवी करते हैं और कैसे आए थे? फिर बता कुल्लू जी आप यहाँ पर कब आए थे और कैसे आए थे? जी जी, मैं इधर माल्टा में 2 साल पहले आया था। तो अभी तो मैं बोल्ट के साथ काम कर रहा हूँ, पहले मैं किसी और कंपनी के साथ काम करता था। कौन सी बता रहे हो, कौन सी करते रहे? तो पहले मैं क्लीनिंग में काम करता था। फिर क्या तो अभी मैं बोल्ट के साथ काम करता हूँ। अच्छा, कितने देर बोल्ट में काम करते हुए? अभी मैंने थोड़ा टाइम हुआ स्टार्ट किया, लेकिन अच्छा जॉब है। 4 महीने, 2 महीने, 2 मंथ हो गए। अच्छा, 2 महीने हुए हैं कुल्लू जी को, पॉइंट नोट किए जज साहिबा, 2 महीने हो गए कुल्लू जी को जॉब को। पहले क्लीनिंग की जॉब करते थे कुल्लू जी, जब आप इंडिया से आए थे 2 साल पहले, आप सीधे क्लीनिंग की जॉब पर आए थे? जी जी। तो कितने पैसे एजेंट को देकर आए, खुद आए थे? जी आप अप्लाई कर सकते हैं ऑनलाइन अप्लाई कीजिए तो आपको वो रिस्पॉन्स देते हैं। चलो वो तो लड़के जो आपको देख ले रोल मॉडल, 2022 में आएंगे, 23 में आएंगे ऑनलाइन। आप कैसे आए थे? जी मैंने भी अप्लाई किया था ऑनलाइन। किया था? जी जी, अपना CV बनाइए और अप्लाई करिए, आपको वो रिस्पांस देंगे। ओके, जिस कंपनी में आप, कौन सी कंपनी क्लीनिंग में काम कर रहा है, कंपनी का नाम तो एक अधिक बता लो कोई। जी मैं उसका भी नाम नहीं बता सकता। चलो ठीक है, चलो क्लीनिंग की जॉब कंपनी का नाम नहीं बता सकता, कॉन्फिडेंशियल का साइन किया एग्रीमेंट से पूछा है कि माल्टा पर, माल्टा क्लीनिंग की जॉब मैं बनाता रहता, बताऊंगा कौन सी कंपनी से रिक्रूटमेंट हो रही है। क्लीनिंग की जॉब होटल में भी करते हैं, होटल साइड टारगेट कर लो जी, बहुत सारी जॉब, हिल्टन कर लो, हयात कर लो, क्लीनिंग की जॉब पूछ सकते, पूछते हैं हाउस अटेंडेंट की जॉब भी करते हैं। तो आपने जब ये डिलीवरी की जॉब ली है जी जी, तो आपने इट्स इजी टू कन्वर्ट इट, आपको इजी चेंज हो गया कि आपको इंडिया जाना पड़ा जॉब चेंज करने के लिए? जी चेंज हो गया, कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है जी, आप कर सकते हो। कितने पैसे लगते हैं बताओ पब्लिक को, कर तो सकते हो? जो आइडेंटिटी फीस होती है वो सभी कुछ, जो इनकी कानूनी कार्रवाई होती है वो सभी लगता है, यहीं पर ही करनी पड़ती है। जी जी, कितनी देर में आपका कानूनी कार्रवाई में आ जाता है? देखो जी डिपेंड करता है वो, आपका कितनी देर में आ गया था? मेरा 1 मंथ के बीच बीच हो जाता है। अच्छा, क्लीनर से आप इम्प्लॉय शिफ्ट, क्लीनर से आपकी जो ये जॉब सॉरी ये वोल्ट की थी, तो आप 1 महीने में आपका शिफ्ट हो गया रफली ना? जी जी जी। तो आपकी एजेंसी का नाम क्या है? एक भाई ने तो बोला लुक एट मी, आपकी कौन सी एजेंसी? जी मेरा जो एजेंसी है वो एक मल्टीज के नेम पर है, एलेक्सिया। एलेक्स बोल दो मेरा नाम, वो एलेक्सिया, एलेक्सियन, स्पेलिंग क्या है? ALXIA ऐसा ALXIA इनकी माल्टीज कंपनी के साथ। हर आदमी यहाँ पर जो है ना बोल्ट के पार्टनर एक नहीं है, हमें 10-12 पार्टनर हो गए। जी, जी जी जी, तो बोल्ट खुद रिक्रूट नहीं करता, तो बोल्ट के पेज पर मत जाना डिलीवरी के लिए, आपको रिक्रूटमेंट एजेंसी के नाम ढूंढने हैं कौन कौन इसके पार्टनर हैं, आपको अप्लाई करना है। जैसे ये एलेक्सी के साथ काम करते थे, तो कितना पैसा बनता है आपको कुल्लू जी जब आप काम करते हैं, बी ऑनेस्ट? देखो जी ये आप पे डिपेंड करता है, जितनी ज़्यादा आप मेहनत करोगे ठीक है उतना ज़्यादा कमा सकते हो। इधर ये माल्टा है, जितना पैसा इधर है कहीं भी नहीं होगा मुझे लगता है। मिनिमम मैक्सिमम बता दो, अगर आप ओवरटाइम करते कितना, मतलब अगर ओवरटाइम नहीं करते, अगर हम चाहें तो 2 लाख भी बना सकते हैं इंडिया का। ओके, बड़े आराम से। जी जी, तो और अगर ज़्यादा करें तो और भी बन जाता है? देखो ये तो काम पे डिपेंड करता है, अगर आप दिन रात मेहनत काम करेंगे तो आप ज़्यादा कमा सकते हैं। ओके, तो गाइस कुल्लू जी यहीं पर जस्ट आई नोट के पॉइंट कुल्लू जी बता ग्रिल के थोड़े शाही नेचर के ग्रिल करना पड़ता है, 2 लाख कमा सकते हैं आप, 2 लाख पर बात छोड़ते हैं। तो कुल्लू जी आप यहाँ पर कितने लड़कों के साथ रहते हैं और आपका खर्चा क्या है? जी हम 4 और 5 लोग रहते हैं, तो खर्चा कोई ज़्यादा नहीं, 200 आ जाता है। ओके, सारा घर मिलाकर। जी जी, तो 180। अगर आप बोलो अच्छा खाना चाहते हो, अच्छा पहनना चाहते हो, 200 में अच्छा सब हो जाता है। तो मैंने 1,80,000 कुल्लू की जेब में जाता है, कुल्लू मेहनत करता है, जाना भी जाता है बताएगा नहीं, कुल्लू जी जाते हैं। तो कुल्लू जी आप यहाँ पर रह रहे 2 साल से, और आपके आगे का प्लान क्या है? आप UK मूव करोगे, शादी करोगे या जर्मनी, जबकि कौन सी कंट्री में जाओगे? देखो अभी सोचा नहीं, अभी तो इधर ही काम करना है। ओके, शादी जरूर करेंगे शादी तो जरूर करेंगे अगले साल, नेक्स्ट नेक्स्ट ईयर हो सकता है, नेक्स्ट ईयर हो जाए।
शादी का कंट्री कौन से एरिया होता है, शादी का शौकीन है लेकिन बहुत ज्यादा कैसे तीन इनके कट रहे यही जानते हैं, पर एनीवेज की शादी के बारे में बातें नहीं करते हैं। तो अंकल आंटी खुश हैं आपके मम्मी पापा इंडिया में? जी बहुत ज्यादा खुश है। इस लड़के ने मम्मी की फोटो लगाई साथ में, इसलिए पूछा आंटी की फोटो लगी इनके दिखा सकते हैं इनके ना जो क्या कहते हैं फोन पर कवर पे आंटी की फोटो लगाई हुई ताम है, मुझे मम्मी पापा ठीक है मम्मी से बहुत प्यार करते हैं। मम्मी का फोन कैसे करते हैं यहाँ पर? जी व्हाट्सएप से और व्हाट्सएप से करता हूँ, जैसे सुबह उधर इंडिया में 5 बजे हूँ सुबह के मॉर्निंग के, और इधर 1 बजे होता है 2 बजे, अगर मैं इधर नहीं सोया हूँ तो मैं सुबह कॉल करता हूँ उधर 5-6 बजे सो अदरवाइज शाम को कर लेते। तो ये है आपके जो है ये वोल्ट के कपड़े वगैरह कंपनी देखिए आपने खुद? जी 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 सब कुछ वो सभी कुछ प्रोवाइड कराते हैं। कितना पैसा उनकी कमीशन कितनी है आपकी सैलरी से? देखो जे लेट्स से सभी 100 हो तो कितने उनके उनकी जेब में आपकी जेब में कितने आते हैं? ये तो जो एजेंसी है उस पर डिपेंड करता है, कोई 65 भी देता है, जो हमारी वोल्ट की एजेंसी है वो कंपनी है वो हमें 65 देते हैं। वाओ बेटर देन अदर्स। जी जी तो बाकी को मैंने सुना 60 भी देते हैं, मैंने सुना भी था 60 देते हैं 65, और पर इंश्योरेंस जो पेट्रोल कपड़े सब कंपनी के हैं है ना वो जी, पैसा जी, पे जी. करते हैं। तो गाइस डरना नहीं। तो चलो कुल्लू जी आपने बताया मुझे ये चीज़ बताई है जी, तो आपने लाइसेंस इंडिया बनाया कि ड्राइविंग के यहाँ बनाया माल्टीज बनाया क्या, और इंडियन चल रहा है अभी तक आपका? इंडिया का भी है मेरे पास लेकिन मैंने अभी माल्टीज अप्लाई किया है। अच्छा होगा आप इधर आकर अप्लाई करें। माल्टीज लाइसेंस मिलना टेस्ट देना पड़ता है? जी 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 दोनों थ्योरी प्रैक्टिकल टेस्ट देना पड़ता है लेकिन ईजी है हो जाता है? जी हो जाता है, अगर आपकी इंग्लिश अच्छी है तो कोई मुश्किल नहीं है उसमें। तो डरिए मत जो लड़के कहते हैं इंग्लिश, अच्छा आप इंग्लिश में बात करें, इंग्लिश बहुत हाई फाई नहीं चाहिए ना, थोड़ी भी चाहिए ना बस हेलो हाय हाउ आर यू क्या जी बेसिक तो होनी चाहिए, बस बेसिक नहीं चाहिए, बहुत इंग्लिश हाई फाई नहीं चाहिए। जो सोचते हैं मेरी इंग्लिश अच्छी नहीं है मैं फ्रेशर चुपचाप आ जाऊँ, मैं कहता इंडिया से स्विगी में काम शुरू कर लो। जब मैं इंडिया से आया था तो मैं भी ज्यादा कुछ नहीं जानता था इंग्लिश के बारे में, बहुत बोलता है वीडियो को लाइक कर ज्यादा बोलता है वीडियो को लाइक कर लो, जो काम की बात चुप कर जाता है, जो काम के सब बोलता है कहता है शादी करो मैंने बारी कौन सी करने मुझे एक काम की बात कम बोलता है लेकिन जो इसके मतलब की बात ज्यादा बोलते वीडियो को दिल खोल के लाइक करो चैनल को सब्सक्राइब करो, और सी भी कट आप इंस्टाग्राम पर आ सकते हैं मेरी आई डी रियल गैरी कुमार है, मैं आपको करियर कंसल्टेशन दे सकता हूँ, पर अगेन नो वीज़ा ऑप्शन अलाउड बिकॉज मैं वकील नहीं हूँ ना मेरा जॉब है ना मेरे कोई वीज़ा है। तो गाइस ये तो था, और किस फील्ड की ज़्यादा डिमांड है इसके अलावा इधर के बाद? जी जी बहुत ज़्यादा जॉब्स हैं इधर, जैसे आप वेटर में आ सकते हैं, तो क्लीनिंग है, तो बार टेंडर है, बार टेंडर की बहुत डिमांड है इधर, वेटर की भी बहुत डिमांड है, तो क्लीनिंग ही होगी एक, तो आप डिलीवरी में आ सकते हैं, जो हाउसकीपिंग है उसमें भी अप्लाई कर सकते हैं, बहुत ज्यादा जॉब्स हैं, कंस्ट्रक्शन की भी हैं, बहुत जॉब्स बहुत हैं यहां पर जी बहुत ज्यादा हैं, माल्टा जॉब सिक्योरिटी की भी है, सिक्योरिटी भी जी, सिक्योरिटी जॉब के लाइसेंस चाहिए तो क्या होता है पता है? जी आपको लाइसेंस चाहिए, अगर आप उधर इंडिया से आते हो तो आप इधर आकर भी कोर्स कर सकते हो, कर सकते हो और आप जी जी बहुत इजी, अगर इंग्लिश अच्छी है आपकी आप कुछ भी कर सकते हो। दो या तीन दिन का कोर्स बताया था लड़के सिक्योरिटी का होता है, आपका एक दिन का मुझे पता नहीं है, आपको सिक्योरिटी का लाइसेंस लेना पड़ता है, उसके लिए बहुत इजी सिर्फ खड़ा रहना कंस्ट्रक्शन की साइड पर बस, बैठ कर भी बैठने का जैसे खड़े होने में बहुत ईजी, मैं 2-3 लड़कों खुद देखा है सिक्योरिटी की जॉब भी बहुत ईजी है। तो यहाँ पर वेयर हाउस की जॉब मिलती है फैक्ट्री में, इतना काम नहीं है किधर वेयर हाउस की फैक्ट्री पैकिंग बुकिंग की? जी पैकिंग की भी है लेकिन मैंने कभी ट्राई नहीं किया है, ट्राई नहीं किया पैकिंग, मैंने भी कम सुना क्योंकि यहाँ पर वेयर हाउस ये होटल इंडस्ट्री है जहाँ पर पैकिंग का काम मैन्युफैक्चरिंग कम होती है ना जी, इधर आप देखते हैं टूरिस्ट जाता आता है तो खाना खाते हैं पीते हैं ऐसा करते हैं जो भी करते हैं ना, तो उसके लिए वेटर की जॉब ज़्यादा अच्छी है इधर, बहुत ज़्यादा डिमांड है वेटर की। वेटर का काम सीख लो, वेटर को एक स्किल से छोटा मोटा कोर्स कर लो और दुबई जाए दुबई चल जाओ तो अपनी इंडिया में 5 साल हाथ में काम कर लो। तो ये था आज का वीडियो, मैंने सब बता दिया इस वीडियो में, वीडियो कैसा वीडियो बताना दिल खुल के बताना, क्वेश्चन भूल जाता हूँ बताना, कोई स्किल भूल जाता बताना, लेकिन इसकी शादी की प्रार्थना कर जी, देना जी, जरूर इसकी शादी हो जाए, हे भगवान इसकी शादी हो जाए, शादी की प्रार्थना इसकी कर देना, बाकी वीडियो दिल खोल के लाइक करना चैनल सब्सक्राइब करना, और यूके का एक और चैनल गैरी टीवी सब्सक्राइब करो, वहाँ पर भी 2 मिलियन जॉब निकली पड़ी, एक इंडियन लोग को 2 साल का फ्री वर्क मिलेगा जिसको यूटिलिटी स्कीम बोलते हैं, यूके सेकंड चैनल यूट्यूब पर सर्च कर गैरी सब्सक्राइब करो। थैंक यू वेंच कुल्लू जी, मेरे से एडवांस में आपकी शादी की मुबारक है और आंटी का नमस्ते सत श्री अकाल कहना ठीक है जी जी जरूर बोलूंगा, आप भी बोल सकते हैं कैमरा के, मैं वीडियो उनको भेजूंगा जी, सत श्री अकाल आंटी जी, सत श्री अकाल जी, सत श्री अकाल जी, बस थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।